आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू वर्डपैड। टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल्स ऑन द कंप्यूटर वी यूज टू नीड अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। किसी टेक्स्ट फाइल को कंप्यूटर पे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की। नाउडेज देयर आर मेनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल। आज के समय में बहुत से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं, लाइक वर्ल्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, लोटस वर्ल्ड प्रो और कोरल वर्ल्ड परफेक्ट। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड पैड की। वर्ल्ड पैड का इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड पैड इज़ अ वर्ल्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ल्ड पैड एक वर्ल्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इट इज़ अ वेरी बेसिक वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये बहुत ही बेसिक वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। विथ वर्ल्ड पैड के साथ वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स, लिस्ट्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड पैड के साथ हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेटर क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या कोई अदर इंफॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक करेक्शन इन द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग एंड ऑल्सो आफ्टर टाइपिंग। हम जो है कोई भी करेक्शंस, कोई भी सुधार टाइपिंग के वक्त या टाइपिंग के बाद भी कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से। वी कैन मेक आवर डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, स्टाइल्स एंड इफेक्ट। हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं कलर्स, स्टाइल और इफेक्ट के थ्रू। स्टार्टिंग वर्ल्ड पैड कैसे स्टार्ट करते हैं। All computers running on Windows operating system have the program WorldPad installed by default. सभी कंप्यूटर्स जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस होते हैं और उसमें WorldPad ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होती है। टू स्टार्ट WorldPad चालू करने के लिए वी नीड टू फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहला है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हमें पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। दूसरा स्टेप है चूज़ ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम को चूज़ करना है। क्लिक ऑन द एक्सेसरीज, फिर एक्सेसरीज पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द WorldPad और फिर WorldPad पर क्लिक करना है। हमारा WorldPad खुल जाएगा। द WorldPad विंडो अपीयर्स एज सोन इन द फिगर। WorldPad विंडो हमारा जो है ये जो आपको ये दिख रहा है विंडो, इस तरीके से हमारा WorldPad विंडो दिखता है। देखिए लिखा हुआ कंपोनेंट्स ऑफ WorldPad विंडो। हमारा WorldPad विंडो कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए पहले सबसे स्टार्टिंग में हमारा टाइटल बार है, फिर रिबन है, फिर WorldPad बटन है लेफ्ट साइड, उसके नीचे है कर्सर और बीच में हमारा वर्क एरिया, राइट साइड हमारा है रूलर और बॉटम एंड राइट साइड हमारा स्क्रॉल बार है। द WorldPad विंडो हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। WorldPad विंडो में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा टाइटल बार। द टाइटल बार इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। इट डिस्प्ले द नेम एंड नेम ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट ऑन विच वी आर वर्किंग। जो टाइटल बार होता है वो विंडो के टॉप साइड में प्रेजेंट होता है और ये इट डिस्प्ले द नेम, ये करेंट डॉक्यूमेंट के नेम को डिस्प्ले करता है। WorldPad नेम द फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट दैट वी ओपन एज डॉक्यूमेंट। जो जो WorldPad नेम होता है वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में एज अ न्यू डॉक्यूमेंट के रूप में ओपन होता है। WorldPad बटन, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड लाइक ओपन, सेव, एग्जिट एंड मोर। WorldPad बटन जो होता है वो शॉर्ट कमांड्स जैसे ओपन, सेव, एग्जिट एंड मेनी मोर, और भी अलग अलग ऑप्शन उसमें होते हैं जैसे प्रिंट का और भी एग्जिट का, ये सब ऑप्शन उसमें अवेलेबल होता है। रिबन, द रिबन इज़ द पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। रिबन जो होता है वो डॉक्यूमेंट के टॉप पोर्शन में अवेलेबल होता है। रिबन जैसे आपका पेंसिल बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग पेंसिल, रबड़ कटर और अलग अलग चीज़ें होती हैं, कलर बॉक्स, ये सब चीज़ होती है, उसी तरह से हमारा रिबन काम करता है। इट हैज़ टू टैब्स। इसमें टू टैब होते हैं, एक होता है होम टैब और एक होता है व्यू टैब। द रिबन मेक्स द सर्चिंग फॉर कमांड क्विक एंड इजी। रिबन जो है किसी भी कमांड को क्विक और इजी बनाता है खोजने में। कमांड्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप हेयर।
यहाँ पे कमांड अलग अलग तरीके के यहाँ पे ग्रुप्ड में ग्रुप फॉर्म में होते हैं। रूलर, द रूलर इज फाउंड बिलो द रिबन। रूलर जो होता है रिबन के नीचे होता है। इट कैन बी यूज टू चेंज द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट क्विकली। इसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट की साइज को चेंज करने के लिए भी आसानी से करते हैं। वर्क एरिया, वर्क एरिया इज द एरिया वेयर वी इंटर टेक्स्ट। वर्क एरिया कैसा एरिया जहाँ पे हम टेक्स्ट इंटर करते हैं। कर्सर और इंसर्शन पॉइंट, इन द वर्क एरिया वी कैन सी अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन। वर्क एरिया में हम एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन देखते हैं। दिस इज द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट। ये एक कर्सर होता है, एक इंसर्शन पॉइंट होता है। द कर्सर मेक्स द प्लेस वेयर वॉट एवर वी टाइप विल अपीयर। कर्सर जो होता है वो कैसा जैसी जगह होती है जहाँ पे हम जो भी टाइप करते हैं वो दिखता है। स्क्रॉल बार, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इनेबल्स टू मूव अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट करने के काम आते हैं। राइटिंग टेक्स्ट इन वर्ड पैड, वर्ड पैड में टेक्स्ट राइट करना। इन वर्ड पैड वी क्रिएट डॉक्यूमेंट बाई टाइपिंग देम। वर्ड पैड में हम डॉक्यूमेंट को टाइप करके क्रिएट करते हैं। वी यूज़ द वेरियस की ऑन द कीबोर्ड टू टाइप टेक्स्ट। हम अलग अलग कीज़ का यूज़ करते हैं कीबोर्ड पे टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। वैन द टेक्स्ट रीचेस इन द एंड ऑफ ऑन ऑफ ए लाइन। जब टेक्स्ट जो है एंड ऑफ द लाइन तक पहुँच जाता है, वर्ड पैड ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द सेकेंड लाइन एंड कंटिन्यूस। और जो फिर जो है वर्ड पैड क्या करता है, वो लाइन को ऑटोमेटिकली कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है कि ताकि हम दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करें। द फीचर्स ऑफ वर्ड पैड इज कॉल्ड वर्ड रैप। वर्ड पैड के इस फीचर को वर्ड रैप कहते हैं। वाइल टाइपिंग टेक्स्ट, टाइप जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, वी यूज़ द स्पेस बार इंटर डिलीट की बैक स्पेस की फ्रिक्वेंटली। जब हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को तो हम स्पेस बार की इंटर की डिलीट की और बैक स्पेस की बराबर यूज करते हैं। लेट अस ओपन वर्ड पैड एंड टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट। चलिए वर्ड पैड ओपन करते हैं और कुछ टेक्स्ट फॉलो टाइप करते हैं। जॉनी जॉनी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इस सेंटेंस को, इस पोएम को हम टाइप करते हैं। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। टू मूव टू बिगनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के शुरुआत में हम होम बटन को कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड में एक बटन होती है होम बटन, हम लाइन के स्टार्टिंग में हम होम बटन पे प्रेस करते हैं और हम कर्सर को स्टार्टिंग में लेके आते हैं। एंड ऑफ द लाइन, हम एंड बटन को यूज़ करते हैं लाइन के एंड में कर्सर को लाने के लिए। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम, हम किसी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर अगर हमको अपना कर्सर लेके आना है तो कंट्रोल होम को, कंट्रोल प्लस होम को दबाते हैं। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में अगर हमको कर्सर लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड बटन को दबाते हैं। ये सब हमारे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। सेलेक्टिंग द हाइलाइट्स द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना। बिफोर परफॉर्मिंग मेनी टास्क इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हम बहुत से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी मस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। वर्ल्ड में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स हाईलाइटेड, और वो सेलेक्टेड टेक्स्ट हमें हाईलाइटेड दिखते हैं। द स्टेप्स टू सेलेक्ट टेक्स्ट आर, हमें किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सिंगल क्लिक ऑन द वाइट स्पेस ऑफ द लेफ्ट ऑफ द लाइन टू सेलेक्ट द लाइन। किसी भी वाइट स्पेस पर हमको सिंगल क्लिक करना होगा, उसके बाद टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, उसके बाद टू सेलेक्ट द लाइन, और उस लाइन को पूरा माउस से ड्रैग कर लेना है। और सेलेक्ट द वर्ल्ड, डबल क्लिक ऑन द वर्ल्ड टू सेलेक्ट इट। और हमें किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कि उस पार्टिकुलर वर्ड पे डबल लेफ्ट क्लिक करना होगा। सेलेक्ट पैराग्राफ, किसी पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हमको ट्रिपल क्लिक ऑन द पैराग्राफ टू सेलेक्ट, पैराग्राफ पे हमको ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है। वी कैन ऑल्सो क्लिक एंड ड्रैग द माउस अंटिल द टेक्स्ट
required is highlight. Undo, redo. Undo means to cancel the last action and redo means to appear the last action. Undo का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कोई नेम लिख रहे हैं जैसे अमित AMIT और AMIT की जगह हम AMIP लिख दिए तो हम क्या करेंगे, अंडू को अगर प्रेस करेंगे तो हमारा जो पी वाला है ऑप्शन वो हट जाएगा, मतलब हमारा जो लास्ट एक्शन होता है वो अंडू से हट जाता है। और रीडू का मतलब होता है, रीडू मीन्स टू रिपीट द लास्ट एक्शन, हम किसी भी लास्ट एक्शन को वापस दोबारा ला सकते हैं। अंडू रीडू का देखिए लेफ्ट साइड में इस तरह का जो है कि सिंबल होता है, वी कैन यूज़ द अंडू एंड रीडू बटन लोकेट एट द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार फॉर दिस पर्पज। वी कैन यूज द अंडू एंड रीडू बटन, हम अंडू और रीडू बटन का यूज जो है लेफ्ट साइड लोकेट किए गए टाइटल बार में इस पर्पज के लिए करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में टाइटल बार में लेफ्ट साइड में ये दिखता है, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, इट इज ऑलवेज गुड टू सेव आवर डॉक्यूमेंट वर्किंग वाइल वर्किंग ऑन इट। ये बहुत ही अच्छा है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमें इसमें ऑप्शन मिलता है, टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप वन, क्लिक ऑन वर्ड पैड बटन। स्टेप टू, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। स्टेप थ्री, टाइप द नेम फॉर योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल बॉक्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट में हमको अपना जो भी फाइल का नाम है उसको टाइप करना होता है। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद क्लिक सेव बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए स्टेप वन पे हमें जो वर्ल्ड पैड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टेप टू में सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर स्टेप थ्री में हमें उस फाइल का नाम देना है, स्टेप फोर में हमको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। वर्ल्ड पैड ऑटोमेटिकली एड्स एंड एक्सटेंशन विच इज डॉट RTF। वर्ल्ड पैड ऑटोमेटिकली जो है एक एक्सटेंशन जो है ऐड कर देता है जिसको .rtf एक्सटेंशन बोलते हैं टू द फाइल नेम। फाइल नेम में वो .rtf अपने आप बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है। इफ वी नेम द डॉक्यूमेंट एज पोएम, अगर हम डॉक्यूमेंट को एज पोएम जो है कि इसमें टाइप करते हैं, इट विल गेट द नेम पोएम .rtf, तो वो उस पूरे फाइल का नाम जो है poem .rtf बनाएगा। ओपनिंग अ सेव्ड फाइल, किसी सेव्ड हुई फाइल को ओपन करना। फॉलो दिस स्टेप टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड फाइल इन द वर्ल्ड पैड। अगर कोई फाइल हम वर्ल्ड पैड में ऑलरेडी सेव किए हुए हैं तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे, तो हमने बताया था यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वर्ल्ड पैड बटन होता है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वर्ल्ड पैड बटन होता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। क्लिक ऑन वर्ल्ड पैड बटन, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द फाइल नेम, क्लिक ऑन द ओपन बटन, द फाइल गेट्स ओपन। सबसे पहले हमको वर्ल्ड पैड बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइल सेट करनी है जो आप खोलना चाहते हैं, क्लिक ऑन द ओपन बटन, उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करना है, द फाइल गेट्स ओपन और फाइल आपकी खुल जाती है। यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन द स्टेप वन वर्ल्ड पैड बटन, क्लिक ऑन ओपन, फिर क्लिक ऑन स्टेप थ्री, क्लिक ऑन योर फाइल, एंड स्टेप फोर, क्लिक ऑन ओपन। क्लोजिंग द वर्ल्ड पैड, वर्ल्ड पैड कैसे क्लोज करते हैं, टू क्लोज वर्ड पैड फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं जिससे वर्ल्ड पैड हम क्लोज करते हैं, क्लिक ऑन द वर्ल्ड पैड बटन वापस से। वर्ल्ड पैड देखिए एक तरह का हमारा गलियारा होता है जिसमें कई रूम्स जाते हैं, रूम्स बोले तो जैसे आपके कई रूम्स उसमें खुलते हैं, हर रूम के दरवाजे उस गलियारे से खुलते हैं, मतलब इसमें कई ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप एग्जिट का देखिए लास्ट वाला ऑप्शन है, क्लिक ऑन द एग्जिट, क्लिक ऑन द वर्ल्ड पैड बटन, वर्ल्ड पैड पे क्लिक करना है पहले आपको, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है क्लिक ऑन एग्जिट बटन, आपको एग्जिट बटन पर क्लिक कर देना है, आप एग्जिट हो जाएंगे। इफ़ यू हैव नॉट सेव योर डॉक्यूमेंट, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है, द मैसेज विल अपीयर, तो एक मैसेज अपीयर होगा
कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है या अपने आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन सेव, अगर आप सेव कर देते हैं तो द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपियर ऑन द स्क्रीन। तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन स्क्रीन पर दिखेगा। इंटर अ फाइल नेम, उसके बाद फाइल नेम आपको इंटर करनी है एंड देन क्लिक ऑन सेव टू सेव बिफोर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट को क्लोज करने से पहले फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है। इफ़ यू क्लिक ऑन डोंट सेव बटन, अगर आप डोंट सेव बटन पे क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट विल क्लोज विदाउट सेविंग द डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट बिना क्लोज किए जो है सेव किए क्लोज हो जाएगा। इफ़ यू क्लिक ऑन कैंसिल बटन, अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट विल नॉट बी क्लोज, तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं होता है। वर्ल्ड पैड इज अ क्विक रिकैप में पढ़ते हैं। वर्ल्ड पैड इज अ सिंपल प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। नाउ डेज देयर आर मेनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल लाइक वर्ल्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, लोटस वर्ल्ड प्रो और कोरल वर्ल्ड परफेक्ट। वर्ल्ड पैड एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि आपको डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए ऑप्शन देता है। बहुत से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जैसे आपके वर्ल्ड पैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड हो गया, लोटस प्रो, लोटस वर्ल्ड प्रो हो गया और कोरल वर्ल्ड परफेक्ट हो गया। विथ वर्ल्ड पैड वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स। वर्ल्ड पैड के साथ हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे लेटर, स्टोरीज, रिपोर्ट्स, लिस्ट्स और मेनी अदर इंफॉर्मेशन, या अलग अलग चीज़ें हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर्स रनिंग ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी कंप्यूटर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं, हैव द प्रोग्राम वर्ल्ड पैड इंस्टॉल्ड बाई डिफॉल्ट। और ये वर्ल्ड पैड प्रोग्राम जो है बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम of the current document on which you are working। Title bar जो है document का name display करता है जिस document पर आप उस समय काम कर रहे होते हैं। वर्ल्ड पैड बटन provides access to frequently used command like open, save and exit। वर्ल्ड पैड बटन जो होता है वो आपको command provide करता है open करने के लिए, file को save करने के लिए या exit होने के लिए। वर्क एरिया इज द एरिया वेयर वी इंटर टेक्स्ट। वर्क एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट इंटर करते हैं। आते हैं एक्सरसाइज पे। टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट नेम डिस्प्लेड इन वर्ड पैड। वर्ड पैड में जो डॉक्यूमेंट नेम होता है वो क्या होता है, टाइटल बार होता है, मतलब वेयर इज द डॉक्यूमेंट नेम डिस्प्लेड इन वर्ड पैड, मतलब वर्ड पैड में जो है डॉक्यूमेंट नेम कहाँ डिस्प्ले होता है, टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। विच की इज प्रोसेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ वाइल टाइपिंग इन वर्ड पैड, कौन सी की प्रेस करने पे जो है नए लाइन से जो है कि वर्ड पैड में हम स्विच कर जाते हैं। इंटर की थर्ड ऑप्शन। विच की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड, कौन सी की जो है वर्ड के बीच स्पेस देने के काम आती है, स्पेस बार। व्हाट इज अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द वर्क एरिया कार्ड, व्हाट इज अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द वर्क एरिया कार्ड। वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन जो होती है वर्क एरिया में, इसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। कंप्लीट द स्टेप टू ओपन वर्ड पैड, सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम, उसके बाद क्लिक करेंगे एक्सेसरीज पे, फिर क्लिक करेंगे वर्ड पैड पे। सेविंग योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन वर्ड पैड बटन अगेन, देन क्लिक ऑन टू सेव ऑप्शन एंड क्लिक ऑन एंड टाइप अ नेम फॉर योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम बॉक्स। उसके बाद हम जो है अपने डॉक्यूमेंट का नेम टाइप करेंगे, उसके बाद फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। मैच द फॉलोइंग शॉर्टकट विद देयर फंक्शंस, फॉलोइंग शॉर्टकट्स को मैच करना है। कंट्रोल जेड अंडू, मतलब अंडू क्या, कौन सा शॉर्टकट परफॉर्म करता है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से हम रीडू कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू
टी फॉर ट्रू और फॉल्स एफ टू मूव टू द एंड ऑफ द लाइन वी प्रेस होम हम लाइन के एंड में जाने के लिए होम प्रेस करते हैं फॉल्स है टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर वर्किंग टाइटल बार डॉक्यूमेंट का टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर वर्किंग टाइटल बार जो है करेंट डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करता है जिस पर आप काम कर रहे होते हैं ट्रू वर्ल्ड पैड ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्सटेंशन विच इज डॉट आर टी एफ टू द फाइल नेम वर्ड पैड अपने आप एक्सटेंशन ऐड कर देता है जिसको डॉट आर टी एफ कहते हैं फाइल नेम में ट्रू कंट्रोल प्लस एंड मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ट्रू कंट्रोल प्लस एंड जो है डॉक्यूमेंट में सबसे एंड में कर्सर को लेते जाता है जस्ट बिलो द रूलर इज लार्ज वाइट एरिया कॉल्ड वर्क एरिया ट्रू रूलर के नीचे जो बड़ा वाइट एरिया होता है बिग वाइट एरिया होता है उसे वर्क एरिया कहते हैं ट्रू यहाँ पे देखिए कर्सर है रिबन है टैब ओपन सेव डॉक्यूमेंट एग्जिट वर्ड पैड रूलर ये सब आपको इस कार में सर्च करना है ये जो अल्फ़ाबेट वाली कार है इसमें आपको सब सर्च करना है थैंक यू क्लास